नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताता हूँ हमारे जो गाड़ियों के अंदर जो एयरबैग लगे होते हैं उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और हम बात करेंगे कि हमें अगर हमारी गाड़ी में एयरबैग है तो किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी से ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ, आपको पता ही होगा कि एयरबैग जो होते हैं वो सेफ्टी के लिए हमारी गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। होता क्या है दोस्तों, हमारी जो गाड़ी होती है उसके चारों तरफ सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे ही वो सेंसर पर कोई भी चीज़ आके टकराती है, कोई भी चीज़ अगर तेज़ी से हिट होती है तो वो एक सिग्नल भेजती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है हमारे जो स्टेयरिंग में या फिर साइड में डैशबोर्ड में जो हमारा एयरबैग लगा होता है वहाँ पे सिग्नल जाता है कि हिट हो गई है गाड़ी। तो बहुत बहुत कम टाइम में ही वो जो एयरबैग के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और उसी की वजह से वो एयरबैग फूल जाता है एकदम से। तो दोस्तों इसी तरीके से ये काम करता है। अब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, हम अक्सर करते क्या है, वो सेफ्टी के लिए दिया जाता है कंपनियों के द्वारा, अगर हम उसका ठीक से इस्तेमाल ना करें तो हमें खुद को इंजर्ड वो कर सकता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ और हम बिल्कुल स्टेयरिंग व्हील के बिल्कुल पास में ही है तो दोस्तों वो 12-13 इंच तक वो बड़ा होता है, जैसे ही वो फूलता है एयरबैग तो 12-13 इंच तक बहुत स्पीड से फूलता है। अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई और बिल्कुल जो हमारा स्टेयरिंग व्हील के बिल्कुल 4 या 5 इंच की दूरी पे ही बिल्कुल यहाँ से ही इसी तरीके से हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें खुद को ही वो नुकसान पहुँचा देगा और वो उसमें हमें इंजरी हो सकती है। या फिर हमारे जो को ड्राइवर की सीट होती है, जो हमारे लेफ्ट साइड में जो सीट होती है दोस्तों, अगर वहाँ पर कोई बच्चा बैठा रखा है तो बच्चे तो खेलते ही रहते हैं या कुछ लोग तो सो जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर ही सर रख के। अगर हम उस ऊपर सो जाते हैं और बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर हमारा एयरबैग खुला तो 100% वो इंजरी करेगा ही करेगा, क्योंकि वो इतनी स्पीड से फटता है, इतनी तेज़ी से वो फूलता है कि वो हमें सुरक्षित करने की बजाय हमें और ज़्यादा हमारे को नुकसान ही पहुंचाएगा। बहुत से लोग होते हैं उस डैशबोर्ड के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं या फिर बच्चे हैं जो वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। दोस्तों सीट बेल्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगा रखी होगी तो ही एयरबैग हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो एयरबैग भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, वो फ़ायदे की बजाय नुकसान ही करेगा। छोटी मोटी इंजरी तो आपको होगी ही होगी, अगर आप बिल्कुल हल्की सी भी टच हुई और एयरबैग खुल गया तो हमारे इंजरी होगी ही होगी। हम कई बार अपने छोटे बच्चों को गोदी में लेके आगे बैठ जाते हैं फ्रंट सीट के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। छोटे बच्चों को तो हमेशा पीछे की ही सीट पर बैठाना चाहिए क्योंकि वो सेफ्टी के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सीट बेल्ट भी नहीं लगाते और उनका वेट भी कम होता है जिसकी वजह से वो सीट बेल्ट के बीच में से भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की कुछ एक चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आगे से आप कभी भी ड्राइव करें तो इन सब पॉइंट्सों का ज़रूर ध्यान रखें और ताकि आप अच्छे से ड्राइव कर पाए और सेफली ड्राइव करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।